प्रदेश के सबसे ज्यादा बरसात वाले जिलों में शामिल झालावाड़ जिले में हर वर्ष अतिवृष्टि के चलते बाढ़ के हालात बनते हैं। इसी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने आज शहर के गांवड़ी तालाब पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में बाढ़ से राहत एवं बचाव का मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने गांवड़ी तालाब में मॉक ड्रिल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन करते हुए बाढ़ राहत व बचाव के कार्यों की जानकारी दी। एनडीआरएफ के प्रदेश प्रभारी योगेश मीणा ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान सभी एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सभी का रिस्पांस टाइम भी चेक किया जाता है, जिससे बाढ़ व अतिवृष्टि के दौरान वे अधिक से अधिक लोगों को बचा सकें। दरीज और टीम के साथ आज ये झालावाड़ में मॉक ड्रिल किया गया फ्लड का। ये फ्लड का मॉक ड्रिल इसलिए किया गया कि झालावाड़, कोटा, बारा ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पिछले हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे बाढ़ आती रही है या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान के सिनेरियो में। तो इसलिए यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाने से क्या है कि सभी एजेंसियाँ हैं उनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है, आपस में सबका रेस्पॉन्स टाइम चेक किया जाता है कि कितनी टाइम में कौन सी एजेंसी यहाँ पहुँचती है और कितना जल्दी वो जो है एक्शन लेती है, जिससे कि हम मॉक ड्रिल करके यहाँ का कोऑर्डिनेशन पता कर सकें उनका। जैसा कि हम सब ने अभी देखा है एनडीआरएफ की टीम ने जो फ्लड एरियाज होते हैं उसमें लोग टापू पे फंस जाते हैं या बिल्कुल एक बाढ़ में बहते हुए दिखते हैं, तो उनको किस तरीके से बचाया जाता है उसका एक डेमो यहाँ पे मॉक ड्रिल के रूप में हुआ और सभी ने हमने देखा कि बहुत ही तत्परता से और पूरे जोश के साथ में अपना जो रेस्क्यू है उसको अभियान को अंजाम दिया। और ये जगह हमारे लिए वैसे भी झालावाड़ शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि बोटिंग के रूप में कैफेटेरिया बन रहा था, एक जगह डेवलप हो सकती है, तो हम नगर परिषद से बात करेंगे कि इस जगह को डेवलप करें।